हेलो स्टूडेंट्स सो इन टूडेज लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट ए रिएजेंट दैट इज द एच सी एल थ्री प्लस एल्कोहलिक तो ये जो आपके पास में रिएजेंट है बेसिकली दो रिएक्शन में काम में आता है एक रिएक्शन का नाम है अमीन टेस्ट और दूसरा आपके पास में है राइमर टीमन रिएक्शन सम पीपल राइट दिस हेज इन दिस फॉर्मेट राइमर टिमान रिएक्शन ठीक है उसमें से जो आपके पास में कार्बिल अमीन टेस्ट है इट इज द टेस्ट फॉर द वन डिग्री अमीन और इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होता है आइसोसाइनाइड का जबकि राइमर टिमान रिएक्शन जो है बेसिकली इट इज गिवन बाय बाय ठीक है तो ये हमारे पास में है सी एच सी एल थ्री प्लस के ओ एच ठीक है जब आप इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाते हैं जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन होती है और क्या प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग एक बार समझते हैं क्या बेसिकली इसका फंक्शन है तो देखिए सी एच सी एल सी एल ये बेसिकली क्लोरोफॉम है और क्लोरोफॉम की रिएक्शन जब आप एल्कोहलिक केवेज से करवाते हैं तो एल्कोहलिक केवेज में जो रिएक्टिव पार्ट होता है वो आर माइनस होता है और यहाँ पर जो ओ आर माइनस होता है दिस ओ आर माइनस दिस स्ट्रोंग बेस तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा इसके पास में जाकर ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर और जैसे ही हाइड्रोजन एप्सिट करेगा यहाँ पर आपके पास में फॉर्मेशन होता है सी माइनस सी एल सी एल सी एल के प्लस और आर ओ एच देखिए सी सी एल थ्री माइनस जो है वो स्टेबल है उसका रीज़न क्या है कि जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है वो कार्बन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो सकता है इन द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द क्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैन ट्रांसफर इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन ठीक है तो ये स्टेबल है लेकिन यहां पर ये जो सॉल्ट बन रहा है सॉल्ट क्या है सी सी एल थ्री माइनस के प्लस ये जो ओवरऑल जो सॉल्ट आपके पास में बना है सॉल्ट इज नॉट स्टेबल सॉल्ट इज नॉट स्टेबल बिकॉज देर इज देर इज नो स्टेबल क्रिस्टल फॉर्मेशन नो स्टेबल क्रिस्टल फॉर्मेशन सॉल्ट आपके पास में दिख रहा है ये कि स्टेबल क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं कर सकता तो होता क्या है दैट्स वॉट वी हैडरस्टैंड ये सी सी एल थ्री माइनस के प्लस ये तो स्टेबल है लेकिन जो के प्लस है ये इट्स नॉट ए स्टेबल सॉल्ट के प्लस एक स्पेसिफिक साइज का गिटाइन है बट सी सी एल थ्री माइनस बींग लार्ज साइज ऑफ ए नाइन इज़ नॉट गोइंग टू फॉर्म ए स्टेबल क्रिस्टल इट इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सी एच सी एल थ्री एन एल्कोहली के विच रिएशन ठीक है तो अब क्या होता है यहाँ पर दिस के प्लस स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस सी एल माइनस भाई कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखो ठीक है रेजोनेस में जा रहा है लेकिन कार्बन जो है वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता कि ये खुद को सर्वाइव हाँ ठीक है बन गया लेकिन ये सर्वाइव कर सकता है ऐसी काबिलियत इसमें नहीं है इट इज़ नॉट लाइक द सी एल माइनस और इज़ नॉट लाइक द एफ माइनस और बी आर माइनस बन गया क्यों बन गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्टेबल था वैकेंडी ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर हो सकता था लेकिन अब ना तो ये स्टेबल सॉल्ट बन पा रहा है और ना कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ना ने स्टेबल है तो कार्बन क्या करता है इस नेगेटिव चार्ज की माताफोड़ी को ख़त्म करने के लिए और इस के प्लस को शांत करने के लिए नेगेटिव चार्ज की माताफोड़ी को ख़त्म करने के लिए और के प्लस को शांत करने के लिए कहता है कि भाई सी एल माइनस तो यहाँ से बाहर निकल बाहर निकल यहाँ से तो जब सी एल माइनस यहाँ से बाहर जाता है तो यहाँ बनता है सी सी एल टू क्योंकि नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि सी एल माइनस बाहर गया है नेगेटिव से अगर नेगेटिव बाहर जाता है तो न्यूट्रल बनता है सी सी एल टू और के प्लस और सी एल माइनस तो दिस इज़ द दा डाईक्लोरोबिन और डाईक्लोरोबिन जो होता है वो आपके पास में एक इंटरमीडिएट होता है कौन कौन सी रिएक्शन का कार्बिलमिन टेस्ट का भी और राइमर राइमेटिमान रिएक्शन का भी तो जब भी हमारे पास में सी एच सी एल थ्री और एल्कोहली केवेच आता है तो रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनता है वो आपके पास में होता है डाईक्लोरोबिन दो क्लोरीन है यहाँ पर डाईक्लोरोबिन क्यों बोला इसको इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर आपके पास में दो क्लोरीन है और कार्बन जो है इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन और हैं तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आगे दो बॉन्ड का फॉर्मेशन और कर सकता है ठीक है तो इसके नाम के पीछे क्या लगा दिया अपन ने इन ठीक है तो डबल बॉन्ड फॉर्म किए हुए या कर सकता है तो अपन ने इसके नाम के पीछे लगा दिया इन तो क्या हो गया ये <coughs> डाई क्लोरो ठीक है तो अगर आपके पास में हमने कहा कार्बिल अमीन टेस्ट जब वन डिग्री अमीन की रिएक्शन सी सी एल टू के साथ में होती है या इसके बजाय आप सी एस सी एल थ्री और के कह सकते हो रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो आप अमीन चैप्टर एप्लीकेशन पर जा सकते हैं नीट काकाजी पर या फिर मैं एक बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि रिएक्शन सीरीज चालू करूँ तो इसमें आपके पास में एक प्राइमरी ज़मीन जो था आर एन एस टू उसकी रिएक्शन जब होती है इससे तो आपके पास में फॉर्मेशन होता है एल्किल आइसोसाइनाइड और ऐसे ही जब फिनॉल की रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन होती है सी एच सी एल थ्री प्लस एल्कोलिक केव जो तो प्रोडक्ट बनता है उसका हम करवाते हैं हाइड्रोलिस तो आपके पास में ये बनता है दिस इज नॉन एज सेलिसहाइड ठीक है तो मैकेनिज्म जो है वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे हमारा फोकस ये था कि सी एच सी एल थ्री और केवेज जब साथ में काम आते हैं तो दे प्रोड्यूस वॉट सी सी एल टू विच इज कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है ये ठीक है मतलब न्यूक्लियो फाइल के साथ में या इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटांस के साथ में रिएक्ट करेगा ठीक है बेंजीन भी यहाँ पर न्यूक्लियो फाइल की तरह काम करेगी और ये भी न्यूक्लियो फाइल की तरह काम करेगा और साथ में क्या है न्यूट्रल है देखो कार्बिन दो टाइप का हो सकता है वो हम लोग रिक्रीएजेंट सीरीज स्टार्ट करेंगे वहाँ पर कार्बिन के बारे में डिस्कस करेंगे सिंगलेट और ट्रिपलेट सिंगलेट में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ही ऑर्बिटल में होते हैं इसलिए सिंगलेट जो है वो एक ही ऑर्बिटल में होने की वजह से सिंगलेट में लोन पेयर होता है है ना और साथ में क्या हो जाएगी डाई मैग्नेटिक हो जाएगी ठीक है जबकि ट्रिपलेट में अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं तो पैरा मैग्नेटिक होता है और उसमें लोन पेयर एबसेंट होता है इसलिए ट्रिपलेट जो होती है वो लीनियर होती है और सिंगलेट होती है वो वी शेप होती है क्योंकि एक लोन पेयर हो गया और दो बॉन्ड है ठीक है तो सी एच सी एल थ्री और केव एच ये बन तो सकता है लेकिन ये सॉल्ट जो है वो स्टेबल नहीं है सी सी एल टू बनेगा और के सी एल बनेगा डाई क्लोरोबिन का फॉर्मेशन आपके पास में हो गया तो इट वॉज़ ऑल अबाउट टू डेज़ लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा क्लोरोफॉर्म और के जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है तो आज के लिए इतना ही है थैंक यू